टॉन नंबर वन रावण, यो यो हनी सिंह रावण, नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन रावण। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, के हाल चाल है, होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है शाम के 5:30। अभी हम जा रहे हैं आज कुछ ऐसे मस्ती मारने। बेसिकली आज मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ कि दिल्ली में जहाँ पे रावण मिलते हैं तो वो किधर मिलते हैं और क्या क्या प्राइस में मिलते हैं और कैसे कितनी कितनी हाइट के मिलते हैं। जैसे मोदी जी ने बम जो क्रैकर्स थे वो अलाउड नहीं किए थे दिल्ली अंदर, वो सब बंद था, तो इस बार क्या होगा। तो अगर कोई रावण लेगा तो उसको बम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कहाँ से परचेज करने हैं, लेट्स सी, देखते हैं, आगे चलते हैं, आपको लेके चलेंगे आज हम साथ में, लेट्स गो। एक स्पेशल रावण हमने देखा है तो एक बार उसमें आपको दिखाता हूँ कि जो कोटेशन लिखी हुई है, हैव अ लुक। डॉन नंबर वन रावण, यो यो हनी सिंह रावण, नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन रावण। तो अभी जो आपने नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन रावण देखा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो होती है बाद में बीवी बन जाती है तो वो टेंशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। वही तो टेंशन की बात है। तो चलो आगे चलते हैं। आज हम गाड़ी पे नहीं है, आज हम बेसिकली है स्कूटी के ऊपर। बाइक पे बोर हो जाते हैं, हर वक्त बाइक नहीं मजा आता, तो कभी कभी यार ठीक है स्कूटी पे भी घूमना चाहिए। आगे गेट है बंद तो यहाँ से हम लेते हैं वापस। एक बात और बोलना चाहती हूँ गाइस, इन्होंने जो बोला है कि बीवी टेंशन होती है, बीवी टेंशन नहीं होती, इनफैक्ट पति टेंशन होता है। पर फटाफट से रावण के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, रावण के सिनेमैटिक शॉट्स। इट्स टाइम फॉर फोटो शूट। अभी हम एक बड़ी अच्छी जगह पे आए हैं। यहाँ पे बेसिकली है क्या कि रावण का गोडाउन है, गोडाउन बोले तो भरपूर भरे पड़े हैं। अभी बेसिकली जो रोड के उस तरफ है वहाँ पे भी हैं, बट यहाँ पे जोन से हैं ये थोड़े पार्क के अंदर बहुत सारे मुँह पड़े हैं। वैसे तो रावण के 10 थे बट यहाँ पे 100 मुँह पड़े हैं, पता नहीं कैसे। तो चलो एक बार फटाफट से आपको सिनेमैटिक शॉट सिखाता हूँ और रावण के, और एक बार पता करते हैं कि भाई कितने का है, क्या प्राइस है, किस किस हाइट के मिलते हैं। तो चलो अभी जो आप ये वाला रावण मेरे पीछे देख रहे हो, ये वाला, ये सबसे बड़ा रावण है जो रामलीला मैदान के लिए बनाया जाता है। और इसकी हाइट है 70 feet और इसका प्राइस क्या होता है? तितारपुर गांव में ही चलता है। अच्छा, तितारपुर गांव में ही चलता है। और इसकी प्राइस कितनी होती है? प्राइस नहीं है, अपना ही है। अच्छा, ये आपका अपना ही है। ओके, ये वाला, अच्छा ये वाला सेलिंग के लिए नहीं है, ये इनका अपना ही है। तो सबसे बड़ा जो रावण है सिर्फ आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है राइडर्स जंक्शन के ऊपर। तो फटाफट से जाओ राइडर्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लो और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी वहाँ पे कर लो फॉलो, क्योंकि वहीं पे आपको बाकी डिटेल्स भी मिलेंगी और जिस दिन दशहरा होगा उस दिन की भी वीडियो दिखाएंगे। अभी जो मैंने आपको रावण दिखाया है 70 feet वाला, उसके लिए वो देखना है तो आप मुझे फटाफट से इंस्टाग्राम पे लाइक कर लो, क्योंकि इतना बड़ा रावण दिल्ली में सिर्फ एक ही जगह पे चलता है और वहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा इस दशहरे पे। शाम को दशहरे पे, मॉर्निंग में कुछ अर्जेंट काम है, मॉर्निंग में वो काम निपटाएंगे और शाम को मिलेंगे आपको उसी जगह पे, सिर्फ राइडर्स जंक्शन के ऊपर आएगा और कहीं किसी चैनल पे इतना बड़ा आपको रावण नहीं दिखेगा, आई एम गारंटी, क्योंकि मैंने वो रावण देखा है खुद कि वो कितना बड़ा है। तो लेट्स सी,
वहाँ पे जाएंगे, पूरी रामलीला होती है, प्रॉपर सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलो चलते हैं आगे। पहले तो राम जी और मुकेश जी हमारे साथ हैं, तो बात करते हैं एक बार। तो भैया कितना, सबसे छोटा रावण कितने फीट का होता है? 5 फीट का होता है। 5 फीट का सबसे छोटा, और सबसे बड़ा? 50-55। 50-55 तक। और क्या प्राइस क्या होता है उसका? प्राइस यही है, जितना बड़ा लेते जाएंगे तो 400 रुपये प्रति फुट। अच्छा, उस हिसाब से अपना आगे, जैसे कोई 20 फीट बनाते हैं, कोई 25, उस हिसाब से चलते जाते। तो 50 फीट, और जो बम होते हैं वो पार्टी लगाएगी, जो खरीदेगा वो लगाएगा। तो 50 फीट वाले रावण में अप्रॉक्सीमेटली कितने के बम लग जाते हैं? दो लड़ी लगते हैं मतलब दो, जो 5-5 हज़ार वाली, 5-5 हज़ार वाली वो होगी, बाकी गोले बम जितने वो सब जितने लगा सकते हैं उसमें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे पिछली बार हम मोदी जी ने बम बंद कर दिए थे कि बम नहीं चल रहे थे पिछले साल, तो कोई उसमें ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी जैसे कोई लेके जाता है कि आगे उनको मिले या ना मिले? नहीं, अभी तो पार्टी अपने पहुंचा देते हैं। अच्छा, आप खुद ही पहुंचा देते हो? पहुंचा देते हैं पार्टी। अच्छा अच्छा, मतलब उनको लेने के लिए जाने आते हैं, ऑर्डर लेने के लिए ऑर्डर लेके जाते हैं, खुद ही पहुंचाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो आगे एक जैसे जो ब्रांड है जो बनाते हैं हम, वो ऑर्डर लेके वो खुद ही उनके पास पहुँचा देते हैं, क्योंकि बड़ा ऑर्डर होगा वो ज़्यादा अपने आप पहुँचा देते हैं। अच्छा सही है, चलो ठीक है, देखना। ओके, सो प्रिया का तो ऑल टाइम है कि जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है प्रिया को बाहर जाते ही भूख लगती है। चलो, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बहुत भूख लगती है यार, जब हम बाहर होते हैं उसी वक्त बाहर निकलते ही भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। चलो ठीक है यार, फटाफट से एक थंबनेल क्रैक करते हैं हम। थंबनेल करने के बाद हम चलते हैं यहाँ कुछ खाने पीने। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको ये कहाँ से परचेज कर सकते हो। सो अगर आप कहीं से भी आ रहे हो वाया मेट्रो, मेट्रो से उतरो आप टैगोर गार्डन, टैगोर गार्डन मेट्रो से उतर के ही बिल्कुल उसके साथ में वहीं पे परचेज कर सकते हो जहाँ पे आपको रावण मिलते हैं, राइट। तो चलो अब मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। और जैसा मैंने आपको कहा था कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पे ये वीडियो आने वाली है, सॉरी इंस्टाग्राम पे। सो जैसा मैंने आपको कहा था कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पे आपको जो हाईएस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा रावण जहाँ लगता है वहाँ की वीडियोस आएंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी मैं ब्लॉग कर सकूँ, डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा। तो इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट, और बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा जल्दी से बता दो कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।